ये बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसेकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसेकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है ये भोजन के मोनोसेकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने, और भोजन के अंदर की जो मोनोसेकेराइड्स है वो इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी, और इसको बार बार पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियास अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा, जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी, जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी, जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए, इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते।